ये लाइट ब्लिंक क्यों कर रहा है अचानक? देखना पड़ेगा। कोई भी तो नहीं है। शायद बगल वाले घर में आवाज कर रहा था। हाँ, कुत्ते भी भूखे हैं। थोड़ा डर तो लग रहा है। पता नहीं कौन होगा। खैर छोड़ो। रात को बोटिंग करने का मजा ही कुछ और है। लॉकडाउन में भी ना कैसा अजीबोगरीब सपना आता है। रूम का लाइट भी किसी ने बदल दिया है। कौन हो भाई तुम? आई एम विनोद। आई एम विनोद। आई एम विनोद। फिर से सपना देख रहा हूँ क्या? मेरे सामने जो इंसान बैठा है क्या वो सच है? मुझे तो लगता है कोई है नहीं। साइकिल वाले को फोन करना पड़ेगा। अब बीच में बहन का फोन क्यों आ रहा है? हेलो, नमस्ते, आप साइकिल वाले बोल रहे हो ना? अरे साइकिल वाले, अरे वो क्या कहते हैं, मनोचिकित्सक, ओह सॉरी साइकोलॉजिस्ट, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ जी, मुझे कुछ दिन से इससे मतलब ऐसे अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं। हाँ, अजीबोगरीब सपने मतलब मुझे तो लगता है कोई बैठा है मेरे साथ, लेकिन लगता नहीं वो कोई है। मैं भी नींद से उठा हुआ और वो बोल रहे हैं कि आई एम विनोद। क्या लगा रखा है मार्केट में, विनोद विनोद विनोद, जहाँ देखता उधर ही विनोद। शायद ज़्यादा देख लिया होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू, ओके बाय। हाँ ठीक है, ओके। डॉक्टर ने बोला कि क्या करूँ, एक काम करते हो, उसको टच करके देखता हूँ, अगर छू पाया तो असली है, नहीं तो नकली है शायद। अबे भाई इधर ही बैठे रहना। अरे किधर गायब हो गया? मेरा नाम है विनोद, मेरा भैया का नाम भी विनोद, मेरे पेट का नाम भी विनोद, मेरे मैथ टीचर का नाम विनोद और मेरे दादाजी का नाम विनोद।